नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। कोविड 19 का कहर पूरी दुनिया में जारी है और अब तक इस महामारी से लगभग 3,57,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 57 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। इसके साथ ही साथ अब इस बीमारी से जानवर भी संक्रमित हो रहे हैं और भारत में इस खतरनाक बीमारी से पहली बार जानवर शिकार हुआ। ये घटना है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की। मामला मंगलवार का है जब कश्मीर के शोपियां जिले में मजदूरी करने वाले एक शख्स अपने घोड़े के साथ मुगल रोड के रास्ते जम्मू के राजौरी जिले में अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही प्रशासन से घोड़े के साथ आ रहे इस शख्स को सैंपलिंग और क्वारंटीन के लिए रोक दिया। राजौरी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के मुताबिक प्रोटोकॉल्स के तहत कश्मीर से मुगल रोड के द्वारा राजौरी जिले में पहुंच रहे हर शख्स को 14 दिन के क्वारंटीन और सैंपलिंग के लिए भेजा जाता है और जब दोनों की जांच हुई तो रिजल्ट चौंकाने वाला निकला। घोड़ा कोरोना पॉजिटिव निकला जबकि मालिक की रिपोर्ट अभी नहीं आई। चौंकाने वाला रिजल्ट आने के बाद प्रशासन ने घोड़े के मालिक के घर पर ही आइसोलेशन में रख दिया। साथ ही परिवार वालों को हिदायत दी गई कि इस घोड़े के आसपास कोई ना जाए। वहीं राजौरी प्रशासन इस मामले में घोड़े को लेकर अधिक सतर्कता बरत रही है क्योंकि जो शख्स इस घोड़े पर बैठकर आया था उसके सैंपल के नतीजे नहीं आए हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि पहली बार भारत में कोई जानवर कोरोना पॉजिटिव हुआ है।